गंदी गालियां, छुट्टी के आवेदन मुंह पर फेंकना, 3 माह से वेतन रोक देना और तबादले के लिए खासी रकम की मांग करना, अधिकारी का हमेशा जलील करना शुभम के आत्महत्या का कारण बना। ये मृतक शुभम के उस बीमार माँ का कहना है जिसके पति के मौत के बाद बेटा ही सहारा था। रोती भिलकती बीमार माँ न्याय के लिए दफ्तर दफ्तर गुहार लगा रही है, मगर अब तक उस माँ को न्याय नहीं मिल सका जिसने अधिकारी के प्रताड़ना के कारण बेटा खो दिया। कल बीमार मां ने SDM को आवेदन देते हुए न्यायिक जांच और अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की है। उधर शुभम आत्महत्या मामले को लेकर आज लिपिक संघ ने पैदल मार्च निकालकर थाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर को ज्ञापन सौंप प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर दोषी अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की है। लिपिक संघ का कहना है यदि ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो संघ प्रांत के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेगी। जिला प्रशासन ने मैनपुर SDM को प्रशासनिक जांच अधिकारी नियुक्त किया था, उन्हें बदलकर अब गरियाबंद अपर कलेक्टर JR चौरसिया को प्रशासनिक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है, जबकि परिजन लिपिक संघ और सर्व ब्राह्मण सभा सहित सभी राजनीतिक दल न्यायिक जांच और FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। बेसहारा मृतक शुभम की मां का कहना है जिला प्रशासन प्रशासनिक जांच कराकर प्रताड़ना मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। कार्रवाई करेंगे क्योंकि जांच अधिकारी उन्हीं को बनाया गया है। नहीं, कल सर के द्वारा चौरसिया से जो EDM है उनको जांच के लिए नियुक्त किया गया है और सबसे क्योंकि ये कलेक्टर महोदय के लिए है ये आवेदन, तो मैं थोड़ा प्रति से इसको सर को प्रेषित करवा दूँगा। जी, तो पहले अंकिता सम तो किया गया था जी? नहीं नहीं, अभी चौरसिया सर है EDM सर, उनको नियुक्त किया गया है जाँच के लिए। अभी इस आवेदन को किस तरह से करवाई कराना? सर को मैं तुरंत प्रेषित करवा दूंगा। आज शुभम पात्र का जो आकस्मिक जो निधन हुआ उस पीड़ित परिवार से हम यहाँ मिलने आए थे और उस पीड़ित परिवार से हम संगठन की ओर से भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी वो कार्रवाई के लिए हमारा जो ज़रूरत पड़ेगा हम पूरे संगठन गरियाबंद जिला नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिपिक संघ आपके साथ हैं करके अब उसी मुद्दे को लेके अपन आज थाना आए थे। थाना में अपने आवेदन दिए हैं और शुभम पात्र के जो माँ है वो भी बयान दर्ज करा रही है और हमें आश्वासन भी मिला है TI साहब से, साथ में एडिशनल SP साहब राठौर साहब भी थे, उन्होंने भी आश्वस्त किए हैं कि आपका जो जांच है त्वरित होगा और निष्पक्ष होगा, यह आश्वासन हमको मिला है। और इस मुद्दे पे मैं यही कहूँगा कि वास्तव में ये जो शुभम पात्र है नियुक्ति से लेकर आज जब उसका मृत्यु हुआ तब तक के ये व्यवस्था जो सिस्टम है उससे प्रताड़ित था। शुभम 25 वर्ष के उम्र में इतना ज़्यादा जिम्मेदारी देना, उसको दबाव पूर्वक काम लेना ही उसका मृत्यु का कारण बना है। मेरे को न्याय चाहिए, न्याय की जांच के लिए मेरे को चाहिए, न्याय बस जांच होना चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय ही चाहिए मेरे बेटा के लिए। क्या हुआ था? मेरे बेटा को इन लोग बहुत गाली गलौज भी कर रहे थे, तहसीलदार बहुत सताया है, मेरा बेटा को रोज रोज गाली देता है। जब आया रविवार को आया, 1.5 महीना का छुट्टी में था, रविवार को आया ज्वाइनिंग किया तो ले गए, लेटर को रख दिया तो मेरा बेटा के ऊपर में फेंक दिया कागज को और आगे मैं भेजूंगा ये इसमें नहीं होगा करके बोला और तहसीलदार बहुत गाली दिया उस दिन। और जब मेरा बेटा ऑफिस जाता था तो हाथ पैर थरथरा रहा है करके बोलता था मेरे पास और मैं भाग के आ जाऊंगी करके बोलता था, तो मैं बोली कि मत आ बेटा मैं आऊंगी तेरे पास, तो मत आ बेटा करके मैं मना की, मैं उसको मना की तो फिर परसों फिर बोल किया था नहीं माँ मेरे को बाहर में खड़े कर दिया था बहुत देर तक और बहुत जोर के पास बेइज्जती करके टर्चट करता रहता था मेरे को करके बोला और भाग के आ जाता हूँ मम्मी करके बोल रहा था। मैं बोली माता बेटा तू क्या खाएंगे बेटा आ करके बोली तो इसी नाम से मेरे बेटा क्या आवेदन दिया अभी उनका तबादला मैडम जो है क्या बोलते हैं तो
25,000 तनखा मांग रही थी मैडम, और जो नहीं था तो तब भी 10,000 को दे दिए जैसे तैसे करके भी। 15,000 बाद में देंगे, ट्रांसफ़र के बाद बोले तो नहीं होगा ये ट्रांसफ़र, पैसा नहीं दोगे तो होगा ही नहीं करके बोला। ये कौन बताया था आपको? मेरे को मेरा बेटा ही बताया है सब चीज़। कौन मैडम के बारे में बताया? अनीता मैडम बारे के, अंकिता सिंह। अच्छा, कहाँ थी ये? वहाँ पे थी, क्या बोलते हैं, गरियाबंद के कलेक्टर ऑफिस में बैठती है वो देखती है क्या, जैसे ट्रांसफ़र होता है तो कागज उगज वो देखती है, बोल रहा था। और उन्होंने बोला कि मेरे को मम्मी 25,000 मांग ली है, मैं कहाँ का दूंगा, मेरे पास नहीं है करके। तो 10,000 था तो 10,000 को दे दिए उसको, 10,000 दिए तो बोली कि 15,000 चाहिए, और 15,000 जो 25,000 दोगे तभी ची होगा, नहीं तो नहीं होगा ये, ऐसे करके बोली है। जब कर देती तो ये नौबत आता ही नहीं, मेरा बेटा ऐसे कदम नहीं उठाता, हो जाता तब तक का, क्यों नहीं किया? जब 8 झोंका आया था तो 7 झोंका क्यों की? मेरा बेटा का क्यों रुक गया? मेरा बेटा का क्यों रुका दियो? किसी को न्याय मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए मेरे बेटा के नाम से। और जितना भी दूर जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ खो चुकी हूं मैं, और आगे बढ़ूंगी, न्याय नहीं होगा तो और आगे बढ़ते ही जाऊंगी, मेरे मरते दम तक मैं करूंगी ये कार्रवाई, मैं छोड़ूंगी ही नहीं। मेरा बेटा तो नहीं है तो मैं क्या करूंगी? और अब सब कुछ मेरे को लूट लिए मेरे से, मेरा तहसीलदार तो और ज़्यादा हरामी हो निकला है, बहुत डांटा है मेरा बेटा को, इतना डांटता था कि गंदा गाली भी देता था, तब भी मेरे को पता था तो मैं बोलती थी नहीं बेटा, बड़े अधिकारी होते हैं वैसी, मत कर कुछ बेटा, रह जा, क्या करेंगे, छोटे लोगों को रहना पड़ता है, वैसे करके मैं बताती थी। तो मेरे बेटा मेरे बात को मान के रह जाता था, वो बोलता था नहीं नौकरी मेरे को नहीं चाहिए, छोड़ दूंगा करके बोल रहा था। मैं बोली मत छोड़ बेटा, नौकरी छोड़ेगा तो खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण आदमी कुछ मिलता भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे करके बोली हूँ। प्रांतीय संगठन ने जिले के सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर आकर चर्चा किए हैं। हम प्रथम दृष्टया नोटशीट को आधार मानते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR की मांग कर रहे हैं। माँ का बयान है, माँ के बयान, पीड़िता के मृतक के परिवार के बयान के आधार पर FIR की मांग कर रहे हैं। और जिला प्रशासन से हम पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस अधिकारी के विरुद्ध नोटशीट में उल्लेख किया गया है उसको तत्काल मुख्यालय में हटाया जाए ताकि जाँच प्रभावित न हो, उसका अभी तक बने रहना और जिला प्रशासन के द्वारा सामान्य जांच का आदेश दे दिया जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे डाउट को क्रिएट करता है कि हम निष्पक्ष जांच के लिए पक्षधर हैं, लेकिन हमें और उसके परिवार को भी और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उस अधिकारी के द्वारा यहां पर मुख्यालय में कार्यरत होने के कारण जाँच प्रभावित हो सकती है। तो हमारी प्रमुख मांग ये है कि तत्काल संबंधित तहसीलदार साहब को, नायब साहब को, जो भी हैं उनको मुख्यालय में अटैच करें, और यहाँ पर निष्पक्ष जाँच तभी होगा जब वो यहाँ पर मुख्यालय में नहीं रहेंगे, हमारी मांग है। दूसरा, हम इसलिए भी आगे की हमारी रणनीति ये है, 20 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारी संगठन, सारे कर्मचारी संगठन 20 तारीख को यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर तत्काल तहसीलदार साहब को मुख्यालय अटैच नहीं किया गया, निलंबन प्रस्ताव नहीं भेजा गया, तो हम 20 तारीख को पूरे राज्य में एक दिन का हड़ताल करेंगे और गरियाबंद लिपिक संघ के जितने भी हमारे साथी हैं 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं। जब तक न्यायिक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी हमारा हड़ताल जारी रहेगा, हम उसके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और 3 तारीख को हमने पहले ही प्रशासन को सूचना दे दी है कि राजभवन का घेराव हम करने वाले हैं, जिस पर हम राज्यपाल महोदय से भी इस बात के लिए आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि तत्काल इस पर न्यायिक जांच हो, ये प्रक्रिया लंबी ना हो। राजस्व का ही लिपिक रहा है और राजस्व प्रशासन के द्वारा, राजस्व अधिकारियों के द्वारा इस तरह से उसको डिले करना कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम जिला प्रशासन से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि पीड़ित के परिवार के लिए तत्काल एक सदस्य को शासकीय सेवा के लिए आदेशित करें। 4 साल की नौकरी में उसको बहुत ज़्यादा धनराशि नहीं मिलने वाली है, पीड़ित उसके ऊपर आश्रित परिवार है, बहन है, छोटा भाई है और माँ बीमार रहती है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि उसकी माँ के इलाज की समुचित व्यवस्था, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कर दें और एक सदस्य को शासकीय सेवा में रखा जाए और उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुकंपा के तौर पर पर्याप्त उनको आर्थिक मदद करते हुए उस परिवार को अनुग्रह किया जावे। जिला प्रशासन के शासन के अभिन्न अंग होने के नाते हम
पहले दिन से मैं इस बात को आप लोगों के माध्यम से कहता आ रहा हूं कि हम किसी भी आंदोलन संघ या किसी भी हड़ताल या किसी भी तरह के दबाव करने की राजनीति करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, और जो लोग भी इसमें राजनीति कर रहे हैं उनको हम उस तरह का किसी भी तरह की राजनीतिक फायदा उठाने नहीं देंगे। हमारा भाई था, हमारा साथी था, हमारे बीच का एक 23 साल का नौजवान लड़का कार की अधिकता के कारण और प्रशासनिक प्रताड़ना का से ग्रसित होकर आज वह आत्महत्या को मजबूर हुआ है। हम सारे लिपिक साथी, छत्तीसगढ़ के सारे लोग उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए आज हम यहाँ पर देवभोग में फिर से आए हैं, और जब जब जरूरत पड़ेगी हम उस तरह से हम अपनी बात बहुत संवैधानिक तरीके से हम रखने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर बार हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जिला प्रशासन को कि अभी भी समय है, अगर हम निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी का यहाँ पर आज तक पदस्थ होना कहीं ना कहीं उस जांच को प्रभावित करने का अंदेशा हमको है, और हम संदेह को ये जन्म देता है कि कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग और हमारे द्वारा जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है ये इस बात को पुख्ता करता है कि अभी तक आपके द्वारा दंडाधिकारी जांच नहीं किया जाना, आपको आप उस अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लिपिक एक्टर जिंदाबाद। हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे सर, क्या मांग कर रहे हैं और क्या कार्रवाई होगा सर उसमें आने वाले दिन? लिपिक संघ के द्वारा मृतक शुभम पात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर के FIR दर्ज करने की मांग संबंधित ज्ञापन दिया गया है। हमने सभी तथ्यों से उनको अवगत कराया है कि जो भी तथ्य मर्ग जांच के दौरान आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी आज यहाँ पर आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या आप लोगों का प्रमुख मांग है और क्या यहाँ पर आश्वासन मिला है? SDM साहब भी थे और यहाँ पर एडिशनल SP भी थे, क्या आश्वासन मिला है? आज शुभम पात्र का जो आकस्मिक जो निधन हुआ उस पीड़ित परिवार से हम यहाँ मिलने आए थे, और उस पीड़ित परिवार से हम संगठन की ओर से भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी वो कार्रवाई के लिए हमारा जो जरूरत पड़ेगा, हम पूरे संगठन गरियाबंद जिला नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिपिक संघ आपके साथ हैं करके, अब उसी मुद्दे को लेके अपन आज थाना आए थे, थाना में अपने आवेदन दिए हैं, और शुभम पात्र के जो माँ है वो भी बयान दर्ज करा रही है, और हमें आश्वासन भी मिला है TI साहब से, साथ में एडिशनल SP साहब राठौर साहब भी थे, उन्होंने भी आश्वस्त किए हैं कि आपका जो जांच है त्वरित होगा और निष्पक्ष होगा, यह आश्वासन हमको मिला है। और इस मुद्दे पे मैं यही कहूँगा कि वास्तव में ये जो शुभम पात्र है, नियुक्ति से लेकर आज जब उसका मृत्यु हुआ तब तक के ये व्यवस्था जो सिस्टम है उससे प्रताड़ित था, वह में 25 वर्ष के उम्र में इतना ज़्यादा जिम्मेदारी देना, उसको दबाव पूर्वक काम लेना ही उसका मृत्यु का कारण बना है। कल भी प्रदेश स्तर पर हर जिले में ज्ञापन सौंपने का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उसमें यदि कार्रवाई नहीं हुआ, हम यहाँ भी मांग किए हैं न्यायिक जांच का, यदि न्यायिक जांच के लिए आदेश कलेक्टर नहीं करते हैं, कलेक्टर यदि न्यायिक जांच के लिए आदेश नहीं किया तो हमारा प्रांत का निर्णय है, हम पूरे प्रांत स्तर पे अपना आंदोलन करेंगे, हर जिला मुख्यालय में, जिला से पूरे प्रांत के जिला में ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला गरियाबंद, हमें बड़ी दुख है कि हमारा भाई शुभम हमसे बिछुड़ गया है, और हम कलेक्टर महोदय से ये मांग करते हैं कि यहाँ तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए, और नहीं तो हमारा 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना हम बाध्य हो जाएंगे। अल्टीमेटम भी दे चुके हैं और हम 20 तारीख से जाएंगे। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन TV।